नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस के बारे में। एक्सट्रूजन प्रोसेस बेसिक क्या होता है, जिसमें हम न्यू न्यू शेप के मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं, मींस मेटल की सहायता से नए नए शेप्स प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, और जिसमें हम प्रेशर का यूज करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं। तो डिटेल में डिस्कस करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे फिगर की सहायता से कि कंप्लीट एक्सट्रूजन प्रोसेस होता क्या है। एक टाइप का ये प्रोसेस है, एक वे है, एक रास्ता है, जिसमें हम लोग हीटेड मेटल की सहायता से, मींस मेटल को हीट करने के बाद केविटी का यूज करके, ये जैसे केविटी दिखाई हुई है, केविटी का यूज करके नई शेप प्रोड्यूस करते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर और फोर्स। अब यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मेनली ये प्रोसेस किसमें किया जाता है। मेनली ये जो प्रोसेस है, ये एक क्लोज्ड केविटी में किया जाता है। क्लोज्ड केविटी से मीनिंग समझे तो यहां पे ये एक कंप्लीट क्लोज्ड चैम्बर है, एक कंप्लीट सिलेंडर है, और यहां पे ये एक केविटी लगाई हुई है। अब केविटी से समझे तो यहां पे केविटी से बेसिक मीनिंग क्या है, केविटी एक प्रकार की ओपनिंग है, मींस एक इस प्रकार से बनाया जाता है जहां पे एक डिप्रेशन होती है, जहां से जिस टाइप की शेप हमें चाहिए उस टाइप की शेप हम प्रोड्यूस करते हैं। मींस रिक्वायरमेंट, हमें कोई हॉलो शेप चाहिए तो हॉलो के अकॉर्डिंग, मींस हमें कोई रिक्वायरमेंट वहां पे है कि पर्टिकुलरली जो पार्ट बनाना है वो कोई बॉल के आकार का बनाना है, सर्कुलर कोई प्रोड्यूस करना है जैसे कास्टिंग में करते थे, तो उस प्रकार का पार्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है, इसमें मेटल फ्लो होती है, यहां पे इनसाइड में ये जो चैम्बर है केविटी के साथ में, तो यहां पे ये मेटल फ्लो होती है और केवल एक ओपनिंग रहती है। ये कंप्लीट एक ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग रहेगी यहां से मटेरियल को पास करते हैं, और मेटल जो रहेगी वो अकॉर्डिंग टू द ओपनिंग शेप लेगी, मींस जैसे यहां पे शेप रहेगी वैसे यहां पे से मटेरियल पास होगा, मटेरियल यहां से एग्जिट होगा। मेटल्स को नई शेप प्रोवाइड करने के लिए यहां पे फोर्स या प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, वो किसकी सहायता से देते हैं, हम पिस्टन की सहायता से। ये जो प्रोसेस होता है ये बिल्कुल एकदम टूथपेस्ट की तरह होता है, जिसको हम लोग प्रेस करते हैं, मींस एक प्रकार से स्क्वीजिंग एक्शन करते हैं, जैसे किसी चीज को प्रेस कर दिया जाए या दो हथेलियों के बीच में कुछ रख के हम प्रेस करें, तो वो एक स्क्वीजिंग टाइप एक्शन रहता है, तो स्क्वीजिंग टाइप एक्शन जिसपे प्रोवाइड करें, तो टूथपेस्ट को हम प्रेस करके वहां से टूथपेस्ट एग्जिट करते हैं, मींस टूथ के लिए जो पेस्ट करनी है तो पेस्ट एग्जिट होता है। ये जो प्रोसेस है, इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज रहता है कि ये एक सिंगल पास प्रोसेस है, मींस हमें मान लीजिए कोई सर्कुलर रोड प्रोड्यूस करनी है, जैसे अगर नॉर्मली हम बात करें तो सरिया, अगर सरिया प्रोड्यूस करना है तो कंटिन्यूअसली हम लोग सिंगल पास में उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, जबकि रोलिंग प्रोसेस के अंदर ऐसा नहीं होता था। एक इसका और एडवांटेज, ब्रिटल जो मटेरियल्स हैं उनको आसानी से एक्सट्रूड किया जा सकता है इस प्रोसेस की सहायता से, मींस एक्सट्रूजन प्रोसेस की सहायता से। अब इस कंप्लीट को यहां से फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये कहता है इस एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या रहेगा, एक क्लोज चैम्बर रहेगा, मींस एक क्लोज सिलेंडर रहता है, वो जो सिलेंडर है उसके इनसाइड एक प्रकार की केविटी बनी रहती है, एक प्रकार का डिप्रेशन रहता है जिसमें हमें मेटल फिल करनी, मींस हीटेड मेटल फिल करनी है या कोई बिलेट फिल करनी है इसके अंदर। फिल करने के बाद पिस्टन की सहायता से या प्लंजर की सहायता से रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करके, मींस इसकी रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होगी, आगे की तरफ ये जाएगा, जब ये आगे की तरफ इसको फोर्स करेगा तो एक यहां पे ओपनिंग रहेगी, स्मॉल ओपनिंग। ये जो स्मॉल ओपनिंग रहेगी, इस स्मॉल ओपनिंग से जैसी यहां पे शेप है उसी प्रकार का यहां से एग्जिट होगा जो पीस प्रोड्यूस होगा। किस किस प्रकार के पीस बनते हैं इसमें, इस प्रकार का शेप का, जैसे स्क्वायर टाइप या कोई रेक्टेंगुलर शेप का पार्ट, इस प्रकार का पार्ट, इस प्रकार का पार्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस आई सेक्शन की प्रकार के पार्ट भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, डायरेक्टली सीधा रेक्टेंगल शेप के पार्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मींस कॉम्प्लेक्स जो शेप्स के पार्ट्स हैं वो हम एक्सट्रूजन प्रोसेस की सहायता से आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कंप्लीट एक्सट्रूजन प्रोसेस का कंस्ट्रक्शन वर्किंग और इसका बेसिक क्या फंक्शन है। थैंक यू दोस्तों।